warm welcome to this special broadcast on Rajya Sabha TV. I'm Neelu Vyas. Prime Minister Narendra Modi completes 4 years as the head of India's first majority government since 1984. As the government enters its final year, it's time to assess its performance in terms of jobs, flagship schemes and reforms. We at Rajya Sabha TV have shown you a slew of programs, and in this series today, we stand by for a very special broadcast where we are going to bring you the viewers face-to-face with three most prominent ministers of the Modi government. You can ask your questions live through Facebook and Twitter handle, while the ministers in the studio shall answer them all. Let me introduce you to our guests in the studio today. Union Minister for Minority Affairs, Mukhtar Abbas Naqvi, Information and Broadcasting Minister, Rajyavardhan Singh Rathore, and Union Culture Minister, Dr. Mahesh Sharma. I thank all of you for coming here and joining us on our special broadcast and also sparing time from your busy schedule. And I'm also joined by our editor-in-chief, Rahul Mahajan. So Rahul, in terms of jobs, a no corruption track record, what is your assessment so far of the 4 years? You know, ek badi achhi baat sarkar ke bare mein ye hai ki pichli sarkaron ke muqable agar koi is sarkar ke bare mein koi criticism nahi karta hai to wo ye baat hai ki is sarkar mein koi policy paralysis nahi dikhta hai. सरकार कुछ करती हुई दिखाई देती है कि सरकार आखिर कुछ कर रही है, कुछ करने की कोशिश कर रही है. एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ जो है वो सामने आती है लोगों के. दूसरी तरफ जहां सरकार ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जो मुश्किल कदम है, जैसे जीएसटी का कदम था, डीमोनेटाइजेशन का कदम था, वहां पर ज़्यादातर सरकारें ऐसे कदम उठाने से बचती हैं. ये एक बहुत बड़ा कदम था अपनी इकॉनमी को ठीक करने का, अपने जो करप्शन है उसको हटाने का. ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है. और अगर चाहे किसी राजनीति के कारण कोई भी इन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ कर सकता है, लेकिन ये मानने से कोई इनकार नहीं करता है कि एक बहुत बड़े और सिग्निफिकेंट कदम है पॉलिसी लेवल पर. तो ये सारी बातें सामने आती हैं. लेकिन हमारे पास तीन मंत्री हैं प्रोमिनेंट, उनसे शुरू करते हैं. नकवी जी, मैं चाहूँगा आपसे शुरू करना और बाकी लोगों से भी कि अगर ओपनिंग स्टेटमेंट के तौर पर आप इन 4 सालों को कैसे देखते हैं? देखिए, इन 4 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने परफॉर्म भी किया है, ट्रांसफॉर्म भी किया है और रिफॉर्म भी किया है. तो जो सरकार जो है वो, जैसा आपने अभी कहा कि कई मुश्किल फैसले थे, जिन फैसलों को कि कोई भी सरकार अगर सिर्फ ये चाहती कि ठीक है साहब, हम अपना समय पार करना है, तो वो सरकार वो ये काम नहीं करती. जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम 124 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानियों के विकास के लिए काम कर रहे हैं, उनमें विश्वास के लिए काम कर रहे हैं, तो हर योजना अगर आप देखेंगे, अभी आगे आप इस पर चर्चा करेंगे, हर जो सरकार के काम हैं वो सिर्फ नारे नहीं हैं, बल्कि एक तरह से वो संकल्प बना और संकल्प बन के ज़मीन पे उतरा और लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाया. जो ज़रूरतमंद है उसकी आंखों में खुशी, उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, इस काम को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इन सरकार ने 4 साल का हिसाब किताब हम आपके बीच में दे रहे हैं. और जब हम आपके बीच में 4 साल का हिसाब किताब दे रहे हैं, तो हम इस फख्र के साथ, इस गर्व के साथ, इस प्राउड के साथ हम आपके सामने हैं कि हमने इन 4 सालों में काम करके दिखाया है, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी पॉलिसी पैरालिसिस के और बिना किसी इस तरह के माहौल के जो नकारात्मक माहौल था. जब हमें सरकार मिली तो हमारी विरासत में जो है चौतरफा नाकामियों की सियासत थी. हमने उस नाकामियों की सियासत पर, नाकामियों पर सियासत किए बिना उस नाकामियों के निशान को मिटाते हुए कामयाबी के कदम आगे बढ़ाए. Rajyavardhan, there's a saying that if a government or a person is not criticized, you cannot measure the level of success. Always it's like that. And there have been share of criticisms as far as this government has been concerned. But I would like to understand from you that what kind of a political risk has the present government taken as far as the reform measures have been concerned? मैं चाहूँगा कि वो अपनी तरफ से अपना जो एक statement है वो पहले दे दें, उसके बाद हम उनसे सवाल पूछेंगे. तो राठौर साहब, आप 4 सालों को कैसे देखते हैं? पिछले कई दशकों से जिस तरह से हमारा देश चल रहा था, उसमें कई वर्ग पीछे छूट गए थे. बहुत से नागरिक हमारे ऐसे होंगे जो उस समय सोचते थे कि मैं एक सरकार चुनता हूं, वो सरकार मेरे लिए क्या काम करती है, और उस पर कई प्रश्न चिन्ह उठते हैं. जिस तरह का सुशासन होना चाहिए, जिस तरह का एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना चाहिए, बिकॉज आजकल हर चीज़ आर्थिक प्रगति से आंकी जाती है. जिस तरह का
हम गणतंत्र जरूर हैं, लेकिन गणतंत्र की अपनी ताकत है, वो हमारी कहीं कमज़ोरी ना बने। हम सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स अगर करते हैं तो गणतंत्र हमारी कमज़ोरी बनता है, लेकिन जब आपको जनता चुनती है तो आपको लीडरशिप के रोल में डालती है और वहाँ पर आपको कई निर्णय ऐसे लेने हैं जो इस गणतंत्र को और मजबूत करें, यानी स्ट्रॉन्ग डिसीजन, जैसे परिवार में जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं कई बार लेते हैं। इस सरकार ने उन वर्गों को जो पीछे छूट गए थे उनके ऊपर खास ध्यान दिया है। दूसरा, जो कड़े निर्णय चाहिए वो कड़े निर्णय लिए, ताकि एक बार कड़वा घूंट जरूर पीना पड़े, लेकिन कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ी को, जिसको हम आगे भविष्य में लॉन्च कर रहे हैं, वो एक सुंदर और मजबूत भारत में आगे परवरिश हो उनकी। तीसरा, जहां एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है राजनीति के अंदर और प्रशासन के अंदर, वहाँ डिसिप्लिन लाया गया, तो इस तरह का रूपरेखा। और जो अंतर्राष्ट्रीय जो देश हैं उसमें भारत का जो स्थिति होनी चाहिए, उस भारत की जो स्थिति को और मजबूत करा। बिल्कुल, इस सरकार में नीलू एक बात बहुत साफ है कि जहां तक हमारी फॉरेन पॉलिसी का सवाल है, उस पर खास तौर से सरकार ने जिस तरह का काम किया है वो सब बहुत सराहनीय लगता है, लेकिन और भी चीज़ें हैं। पहले हम महेश शर्मा जी से बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम याद करें 2014 से पहले का समय, जब वास्तव के अंदर देश का युवा, देश का किसान, जवान, नौजवान में एक निराशा का भाव पैदा हो चुका था देश में, राजनीतिज्ञों के प्रति, राजनेताओं के प्रति, राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रति अविश्वास सा हो चुका था। उन्हें लगता था देश शायद अंधेरे की ओर बढ़ रहा है। अगर अखबार के पन्ने खोलो तो भ्रष्टाचार की इबारतों से भरे होते थे। और उस निराशा भरे माहौल में एक आशा की किरण में के रूप में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो पारदर्शिता के भाव से, जन भागीदारी के भाव से, उस निराशा के वातावरण को आशाओं के भरे वातावरण में बदलने का काम इस सरकार ने किया। और ये फैसला कि 70 साल की आज़ादी के बाद अगर विकास की रोशनी की किरण अगर पायदान की सीढ़ी पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक ना पहुँचे तो ऐसी आज़ादी बेमानी होगी, इस सोच के साथ ये सरकार आगे बढ़ी। सबका साथ सबका विकास लेकर, धर्म जाति बिरादरियों के अंदर अपने वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए राजनीतिक व्यवस्थाएं अपना काम करती रहीं, उन सब से ऊपर उठकर इस सरकार ने बड़े फैसले किए, कड़े फैसले किए, और आज उन्हीं बड़े और कड़े फैसलों के कारण आज भारत, भारतीयता, भारत के लोगों का सम्मान शिखर पर है। विश्व पटल पर अगर हम बात करें तो आज भारत के लोगों का सम्मान बढ़ा है, एक आत्मविश्वास बढ़ा है देश के लोगों का, एक विश्वास बढ़ा है विश्व के लोगों का भारत की व्यवस्थाओं में। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इनफैक्ट एज आई वाज सेइंग अर्लियर दैट दिस गवर्नमेंट रियली हैज टेकन सम पॉलिटिकल रिस्क्स व्हिच अदर पार्टीज इन द अर्लियर रेजिम्स हैव नॉट बीन एबल टू टेक दैट काइंड ऑफ अ रिस्क। एंड व्हाइल वी आर गोइंग लाइव विद दिस प्रोग्राम, लेट मी इन्फॉर्म ऑल आवर गेस्ट्स हियर इन द स्टूडियो दैट लॉट ऑफ पीपल आर वॉचिंग अस लाइव ऑन फेसबुक एंड वी आर गेटिंग लॉट ऑफ अ नंबर ऑफ कॉमेंट्स एंड क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ यू। वी विल टेक दैट इन अ बिट एज एंड व्हेन द क्वेश्चंस स्टार्ट कमिंग वी विल जस्ट रीड देम आउट टू यू एंड वी विल हैव योर आंसर्स ऑन देम। बट राज्यवर्धन, आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट I was asking you as earlier, like the kind of political risk which other governments had not taken earlier. How do you really see those kind of steps? I mean, it was at the cost of all the criticism which came against the Modi government, and that it was ill-planned, it was not properly framed, and all kinds of criticism which came during demonetization, during GST. So how would you really counter that at the end of 4 years now? You know, about 2 to 3 decades ago, this was a normal conversation in colleges, that how do you change a system which is corrupt right from bottom to the highest level? Right. The only person who can change it is the person who actually wields the strength to actually control the and change the system. So, and that one person can only be the prime minister or the government of this land. If you see people like the prime minister, if you see people like Amit Shah, these are people who have suffered for, and many other people who've suffered for years and years trying to live in a system which has been totally corrupted. And therefore, this creates a very strong sense of commitment to change.
So change, like Naqvi Sahib was saying, is not just for the sake of saying let's change. The change is for the sake that we, if we do not change now, then this window of opportunity that India has gotten right now, when the youngest population of the world resides in India. Absolutely. And when the GDP of the entire world is now shaky, India is still strong. And in India are young people who are wanting to work, they're looking for work. Therefore, this is a window of opportunity when the entire world should be investing into our country. Right. And the country itself should be investing in itself. And therefore, we are investing in our young people. And therefore, a change is must. A change to so that the system serves the people, not the people serve the system. Absolutely. It has been going on for far too long. I can give you a variety of examples. And now that I'm talking, let me give you one small example. Right. The banks were nationalized around 1970s. They were nationalized for the reason that the accounts of the poor people are not being opened. In 2014, the Prime Minister makes a call from the Red Fort and says the accounts have not been opened and let's open it now. From 2014 to 2018, 30 crore accounts have been opened, which means that a large number of people had no access to the very reason why banks were nationalized. Right. Now, why were the banks nationalized? So that they come into the hands of the political leadership, and then they use for their few capitalists who are serving them. Right. And that is the reason people like Nirav Modi, people like Mallya, many others, and there are a lot of industries that have been set up which are non-functional, but they've been all built because of the taxpayers' money coming through the banks. Absolutely. But this government is ensuring you pay up. You have to pay up. राजवर्धन जी, एक हमने इस बीच में बहुत सारे लोगों को जब हमने ये कहा कि आप तीन मंत्री हैं प्रोमिनेंट जिनसे सवाल कर सकते हैं, तो बहुत प्रोमिनेंट लोगों ने सवाल आप लोगों से पूछे हैं. उसमें एक बहुत ही नॉन जर्नलिस्ट हैं शशि शेखर, जो कि ग्रुप एडिटर हैं हिंदुस्तान की, और उन्होंने आपसे सवाल पूछा है. उसको देखते हैं उन्होंने क्या सवाल उन्होंने आपसे पूछा है. मेरा सवाल राज्यवर्धन राठौर जी से है. राज्यवर्धन जी, आपने फिटनेस का एक वीडियो डाला, बड़े नामचीन लोगों को चैलेंज किया, विराट ने वो चैलेंज स्वीकार भी किया, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भी उसमें शामिल किया और मोदी जी ने भी उस चैलेंज को स्वीकार किया. बहुत अच्छी पहल है, इंडिया फिट रहे, इंडिया हिट रहे. लेकिन इंडिया के फिट रहने के साथ साथ अगर इंडिया को हिट भी रखना है, तो इंडिया के हिट रहने के लिए आवश्यक है कि बहुत जो मूलभूत मुद्दे हैं, भय, भूख, गरीबी, महिलाओं की सुरक्षा, बचपन को उजड़ने से बचाना, नौजवानों को सही तरीके से करियर में स्थापित करना, इन पर ज़्यादा ज़रूरी है बहस. आपको नहीं लगता कि आपकी फिटनेस की पहल स्वागत योग्य होने के बावजूद कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जिन पर बहस शायद पहले छेड़ी जानी चाहिए थी? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? शशि जी बहुत जाने माने पत्रकार हैं और मैं भी इनसे अच्छी तरह परिचित हूँ. शशि जी, जब हम अपने बच्चों को एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जब वो बैठते हैं, तब भी हम उनको बोलते हैं कि थोड़ा सा खेल लीजिए ताकि जो आपकी एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस है वो और भी अच्छी हो जाए. ये तकरीबन उसी तरह है शशि जी, कि हम अगर 5 मिनट अपने काम में थोड़ा सा व्यायाम जोड़ लें तो अपना काम और बेहतर तरीके से कर पाएंगे. और जो बातें आपने कही, बिल्कुल मूलभूत, बिल्कुल बेसिक, एक देश का फाउंडेशन है. और वो चुनौती तो हमने 2014 में ही उठा ली थी. ये जो देश को एक नया, बेहतर, मजबूत राष्ट्र बनाना, जिसमें महिलाएं, किसान, जो नौजवान हैं उनको और मजबूत कर पाना, उनको अवसर दे पाने का चुनौती तो हमने 2014 में ली है और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं. अब बीच में हम चाहते हैं कि देश का हर नागरिक अगर थोड़ा सा पसीना बहाए, अपने तरीके से फिट हो, खुश हो, तो हर नागरिक की जो कैपेसिटी टू सर्व द नेशन है वो और बेहतर हो जाएगी. वैसे राठौर साहब के वीडियोस काफी वायरल हो रहे हैं. वायरल हो रहे हैं और अब हमें सोचना पड़ गया एंकरिंग के बीच में मैं ही वो वीडियो कैसे अपलोड करूंगी. लेकिन नकवी जी और महेश जी, आपसे सवाल है, आप लोगों ने ये चैलेंज अभी तक एक्सेप्ट किया है कि नहीं? बिल्कुल, राजवर्धन जी ने जो चैलेंज दिया है वो सबसे पहले तो अपने कुलीग्स के लिए है. तो हमें तो सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हेल्थ और हाइजीन, देखिए मोदी जी ने आने के बाद जो एक बहुत बड़ा सेक्टर था, बहुत बड़ा क्षेत्र था जो बहुत अछूता रहता था, स्वच्छता. कभी कोई सोचता था क्या कि हम सफाई के लिए भी सरकार अभियान चलाएगी?
भाई सोचते थे लोग, ये तो सफाई तो नगर पालिका का काम है, पंचायत का काम है, ब्लॉक का काम है, वो अपना करते रहेंगे, क्या करना है। प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद स्वच्छता का अभियान चलाया, शौचालय का अभियान चलाया कि हर घर में शौचालय होना चाहिए, हर गांव में शौचालय होना चाहिए। और उसका देखिए नतीजा क्या हुआ कि करोड़ों की संख्या में न केवल सरकार के माध्यम से बल्कि लोगों ने खुद उससे प्रभावित होकर के अपने से शौचालय बनाए। तमाम रोज़ कहानियां आती हैं, रोज़ अखबारों में आता है, रोज़ टेलीविज़न चैनल्स में आपके दिखाई पड़ता है कि तमाम ऐसे परिवार हैं जिन्होंने कहा कि हम शादी नहीं करेंगे अगर तुम्हारे घर में शौचालय नहीं है। इनफैक्ट आई थिंक यही एक डिफरेंस है जो पहली सरकारों में, और काम तो पहले भी हो रहा था, लोग तो कह रहे थे कि पहले भी भूदान आंदोलन, विनोबा भावे जी का जो भूदान आंदोलन था वो क्या था, ये उस तरह का एक बहुत बड़ा ये रिफॉर्म नहीं है, ये बिल्कुल एक तरह का आंदोलन का स्वरूप है। और इसी तरह से तमाम, जैसे बार बार अभी राजवर्धन जी ने भी कहा, शर्मा जी ने भी कहा कि देश का सम्मान स्वाभिमान, जब हमारे देश का प्रधानमंत्री अरब की धरती पे उतरता है और उस अरब का जो है वो शीर्ष नेतृत्व उनको एयरपोर्ट रिसीव करने जाता है, तो वो किसी नरेंद्र मोदी जी को रिसीव नहीं कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है, वो सम्मान दे रहा है देश के 125-26 करोड़ लोगों को। अगर चीन के प्रधानमंत्री, अगर रूस के प्रधानमंत्री, अगर अमेरिका के प्रधानमंत्री, अगर अफ्रीका के प्रधानमंत्री या दुनिया के तमाम देशों की सरकारें आज भारत और भारत के प्रधानमंत्री के को सम्मान दे रही, तो वो देश के हर व्यक्ति के लिए गौरव का विषय है। No, certainly what you are saying is right, that this is where I think this government has differed from the earlier governments, that this government has succeeded in creating a social buzz which was lacking, and as Naqvi ji has just pointed out, that a mission mode, that the government is working in a mission mode. Some more viewers on the Facebook are joining us. I would like to take in a viewer called Amit Srivastav. He is joining us from Lucknow, and he's saying that he is wanting to ask a question to Mr. Naqvi ji. Aapke paas aayenge. There is a criticism regarding the punishment clause in the bill. How would you react, and do you think that it is proper to give 3 years of imprisonment to a man just for utter a word talaq thrice? I think a triple talaq ko lekar ye sawal hai ji. Sabse important cheez hai ki hamara desh ye sudhar ka desh raha hai, hamara desh ye reform ka desh hua hai. Yaad kariye ki aap jab jis waqt jo hai wo sati pratha par राजा राम मोहन राय जी ने आंदोलन चलाया और कहा कि सती प्रथा ख़त्म होनी चाहिए, तब जो है वो हिंदुस्तान में सरकार आज़ादी के पहले की बात है ये, उस वक्त जो है तमाम लोगों ने कहा कि साहब ये हमारी आस्था से जुड़ा विषय है, इसमें सरकार कौन होती है, बिल कौन, कानून कौन कैसे बनेगा। लेकिन पूरे देश ने एकजुट होकर के कहा कि नहीं, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगना चाहिए और गैर कानूनी होना चाहिए और पनिशमेंट भी होना चाहिए। उसी तरह से बाल विवाह, इसी तरह से जो ट्रिपल तलाक है, ये कुरीतियाँ हैं, ये धर्म से इसका कोई मतलब नहीं, ये कुप्रथा है, और इन कुरीतियों और कुप्रथाओं को का खात्मा ज़रूरी है। साथ ही साथ असंवैधानिक भी है, जो हम लैंगिक समानता की बात करते हैं, जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, आप उससे जो है पूरी तरह से उसको ध्वस्त कर रहे हैं आप, तीन तलाक। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि साहब इनलीगल भी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। अब इनलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज़ है उसके लिए कानून तो बनेगा ना, और कानून में तमाम प्रावधान भी होंगे, और उसी कानून को लोकसभा में सभी पार्टियों ने, विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी ने पास करने में मदद की। राज्यसभा से और लोकसभा के सफर के बीच में कौन किन लोगों ने उनको लंगड़ी मार दी कि वो जो है वो उल्टे भैरा पड़े राज्यसभा में और कहने लगे जी हम तो नहीं पास करेंगे। तो यानी कि अभी एक महेश जी कह रहे थे ना कि कहीं ना कहीं जो है वो एक पॉलिटिकल अपीजमेंट, हम जब सरकार चला रहे हैं तो हमारे पास भी माइनॉरिटीज के सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल डेवलपमेंट है, बट हम एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट के कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट विद डिग्निटी के कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन के कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। वो क्या करते थे कि वो तो डेवलपमेंट करना नहीं है, विकास करना नहीं है, शिक्षा करना नहीं है, लेकिन जो है वो ऐसी स्थिति बना के रखो डर और खौफ और भय का, जिससे कि है सिर्फ वोट को दूते रहो। तो हमारे लिए विकास का मसौदा वोट का सौदा नहीं है। एक सवाल राठौर साहब इन्हीं का आपसे भी है, उनका ये कहना है कि आपके पास INB मिनिस्ट्री थी, उससे स्पोर्ट्स भी था, लेकिन अब INB मिनिस्ट्री पूरी तरह से आपके पास है, तो क्या ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप दोनों मिनिस्ट्रीज के साथ जस्टिस कर पाएंगे, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, तो ये सवाल उन्होंने आपसे पूछा है। अमित जी, हमारी सरकार के अंदर
एक कलेक्टिव एफर्ट होता है सरकार को चलाने में। अक्सर भले ही मंत्री अकेले हों, अकेले दिखते हों आपको उस मंत्रालय में, लेकिन कई निर्णय होते हैं वो सब कलेक्टिवली ले जाते हैं। एक कलेक्टिव विजडम न केवल मंत्रियों का बल्कि अधिकारियों का भी होता है और जनता का भी होता है। बहुत समय INB को लेकर जो जितने भी ब्रॉडकास्टिंग हाउसेज हैं, मीडिया हाउसेज हैं, उनसे चर्चा रहती है कि किस तरह का कानून, किस तरह की पॉलिसी बनाई जाए। इट्स ऑल अ कलेक्टिव एफर्ट। दो मंत्रालय हैं मेरे पास, एक जिम्मेदारी दी है प्रधानमंत्री जी ने, मैं उसको पूरी करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। जैसे मैंने कहा, एक कलेक्टिव एफर्ट होगा और मंत्रालय का, INB मंत्रालय का काम है कि जनता को यानी आपको सबको जागरूक रखना कि देश में क्या हो रहा है, नीतियां क्या बन रही हैं, वो नीतियों की पूरी जानकारी आपके पास हो, अलग अलग माध्यम से वो जानकारी हम आपके पास पहुंचाएं। और न केवल अलग अलग माध्यम, सिर्फ ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, बल्कि अलग अलग मीडिया हाउसेस भी, जैसे राज्यसभा TV हुआ या दूसरे जो प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स हैं, वो सब का एक ही काम है कि सरकार का काम जनता तक लेके जाना, जनता के पास जो काम पहुंच रहा है वो किस तरह से हो रहा है, जनता की क्या फीलिंग्स हैं, वो सरकार के पास लेकर आना। इनका सूचना के प्रति भी जागरूकता और स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूकता, दोनों चीजें। बट वी हैव टू गिव क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। आई रिमेंबर हैविंग इंटरव्यूड सो मेनी मिनिस्टर्स ड्यूरिंग 2014 व्हेन बिफोर द इलेक्शंस, एंड ऑल ऑफ देम एडमिटेड ड्यूरिंग दोज इयर्स इन UPA दैट they had not been successful in reaching out with the messages of the government. And I think that's where this government has succeeded in messaging, reaching out with the messages to the remotest corners of the country. Niluji, I'll just add to that. Yes. The Prime Minister insisted right in the beginning that there has to be a two-way communication. Right. And social media is something that the Prime Minister so adapted to himself and to the government that every ministry, every department Absolutely. Has social media, and that's a two-way communication. Right. और यहीं तक ही सीमित नहीं रखा, बहुत दफे मंत्री सीधे अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, वो दो तरफा संवाद स्थापित करते हैं। अब ये चैलेंज राज्यसभा TV ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, और इसीलिए नकु जी एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपके पास आऊंगी। महेश शर्मा जी से सवाल है। दुष्यंत चौटाला जो कि INLD के नेता है, उन्होंने महेश शर्मा जी से सवाल किया, उसको देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। नमस्कार महेश शर्मा जी, आज आपके पास पुरातत्व विभाग है, और जब हम बात करते हैं तो इस देश के अंदर हिस्टोरिकली हमारे पास ऐसी डाइवर्स हिस्ट्री है, जहां हड़प्पन साइट से लेकर मुगल एम्पायर की बात हो या फिर ब्रिटिशर्स की कॉलोनाइजेशन की बात हो, अलग अलग ऐसे महत्वपूर्ण हिस्से हमें देखने को देश की हिस्ट्री में मिलते हैं, जिसका दुनिया भर के अंदर आज डंका बजता है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 4 साल के अंदर क्या ऐसे कदम उठाए गए हैं जहाँ हिस्टोरिकल साइट्स को प्रिजर्व करने के साथ साथ जो पुराने हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनके एक्सकवेशन के लिए आपके मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं, और क्या आने वाले भविष्य के अंदर, चाहे वो राखी गढ़ी जैसी हड़प्पन साइट हो जिसका कार्बन डेटेड 8000 साल है, उसके डेवलपमेंट के लिए आप क्या कदम उठाने का काम करेंगे? महेश शर्मा जी, इसमें 100 आदर्श स्मारक वाली भी बात आती है जो आपके मंत्रालय में। देखिए, भारत की पहचान, दुष्यंत भाई ने ठीक कहा कि कभी हम विश्व प्लेटफॉर्म पर भी बिलियन ट्रिलियन डॉलर के खजाने की बात नहीं कर अपनी घनी संस्कृति की बात करते हैं, और वह हमारी पहचान है, वह हमारा सम्मान भी है। कल्चर मिनिस्ट्री आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से 3686 ऐसे मॉन्यूमेंट्स के संरक्षण संवहन का काम करती है, और नई एक्सकवेशन का कार्य सतत प्रक्रिया के तहत जारी है। इस दिशा के अंदर हम लोगों ने करीबन देश के अंदर 12 जगह नई एक्सकवेशन के काम शुरू किए हैं। लद्दाख में करीबन 15,000 फुट की ऊंचाई पर, जहां हम लोगों ने कार्बन डेटिंग जिसके माध्यम से वहां सभ्यता मिली है 9,200 साल 50 साल पुरानी कार्बन डेटिंग टेक्निक से, वडनगर के अंदर हमने खुदाई करी जहाँ बुद्धिज्म के अवशेष मिले हैं, तरंगा हिल्स में, सनौली में, धौलावीरा के अंदर, और अभी हस्तिनापुर में, बारनवा के अंदर, मेरठ के पास हस्तिनापुर के अंदर ये एक्सकेवेशन के काम चल रहे हैं। जिस व्यवस्था की बात करें राखी गढ़ी, वह हमारे देश की सबसे पुरानी सभ्यताओं का एक प्रतीक है, और उसकी में जो प्राथमिक दृष्टि से जब एक्सकेवेशन की गई थी तो उसमें ये पाया गया कि हमारी एक प्रक्रिया है कि किसी भी व्यवस्था को हम 3 साल तक एक्सकेवेशन करते हैं और उसके बाद उस साइट को बंद कर देते हैं, उसके जो रिजल्ट्स होते हैं उनको कंपाइल करते हैं। लेकिन वहाँ एक थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत ये आई कि कुछ हिस्से पर बसावट बस चुकी है,
जो तीन माउंट्स हैं उनमें से इतनी बसावट बस चुकी है कि उनको हम बेदखल करें, बेदखल करके उनको दूसरी जगह बसाएं, उस पर कोर्ट बीच में आ गया, कुछ सामाजिक संस्थाएं बीच में आ गई, जिस कारण वो और काम उसके अंदर, हालांकि प्राथमिक दृष्टि से जो एक्सकेवेशन हुए वो पूरे हो चुके हैं, उनकी रिपोर्ट्स बन चुकी हैं। लेकिन ये बात सही है कि दुष्यंत जी, मैं आपको बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि आप राखीगढ़ी के बारे में जो हमारे लिए सम्मान है और हमारा इतिहास का हिस्सा है और हमारा भविष्य भी शायद उसमें कुछ छुपा हो, लेकिन उसके अंदर जो मैंने तकनीकी दिक्कत बताई वो भी सब हम जैसे आप जैसे राजनीतिक लोगों की तरफ से ज्यादा है कि कभी कभी हम थोड़ी इनको प्रोटेक्शन देनी पड़ती है। व्यूअर्स बहुत कीनली वॉच कर रहे हैं एंड आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट वी हैव अनदर फेसबुक व्यूअर हु हैज जस्ट रिटन टू अस। शिप्रा माथुर इज जॉइनिंग अस फ्रॉम फेसबुक एंड शी हैज रिटन दैट एंड शी हैज अ क्वेश्चन फॉर यू महेश जी, दैट व्हाट इज द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू प्रिजर्व द कल्चरल हेरिटेज इन रूरल इंडिया। तो इनके सवाल का भी आप थोड़ा जवाब दे दीजिए कि रूरल इंडिया में कैसे आप प्रिजर्व करने के लिए सोच रहे हैं। शिप्रा जी, आपको हमारा रीसेंट प्लान इसका मतलब लीक कर गया है। मैं आपको बधाई दे दूं इस सवाल के लिए, और हमारे प्रधानमंत्री जी इस विषय में बहुत ज़्यादा चेतन हैं और उन्होंने इस ताकत को पहचाना कि भारत की संस्कृति 6,20,000 से ज़्यादा गांव में बसी हुई है। हर कोने के अंदर कहीं ना कोई एक फनकार, एक कलाकार, एक साहित्यकार कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, और उन्हें शायद आज हम अंतर्राष्ट्रीय तो छोड़िए, राष्ट्रीय छोड़िए, जिला स्तर तक भी पहचान नहीं दे पाए। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, लगभग 490 करोड़ रुपए की योजना है, कल्चरल मैपिंग ऑफ इंडिया, जिसमें हम 6,20,000 गांव तक जाएंगे और वहां कोने में छुपे हुए एक साहित्यकार, एक फनकार जो अपने आप को कहता है मैं फ्लूटिस्ट हूँ, एक वीवर हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक स्कल्प्टर हूँ, हम उन्हें उसका एक पोर्टल बनाकर हमने उस पर कार्य शुरू किया है। मैं बता दूं उसके अंदर लगभग 1 करोड़ लोगों ने अभी तक रजिस्टर उस पर कर चुके हैं, और ये इस ताकत को हम वहाँ उनके आपस में जिला स्तर पर कंपटीशन कराकर ऐसे सभी लोगों का, मान के चल रहे हैं ये संख्या करीबन 4 से 5 करोड़ तक जाएगी, और इनका एक पोर्टल बनेगा जिसमें जिला स्तर पर उनमें कॉम्पिटिशन होगा, उनके अंदर एक भावना जागेगी कि मैं भी देश का हिस्सा हूँ, दूसरा उनके आमदनी के साधन लोग उन तक पहुंच सकेंगे। अभी तक कुछ गिने चुने नाम होते थे कि अगर कोई पूछे कि साहब कथक के लोग कितने, अब हम देश के 6,20,000 गांव तक में एक छोटा से छोटा कथक का आर्टिस्ट होगा तो उस तक हम पहुंच जाएंगे, और दूसरा उनको आमदनी के रोजगार के साधन बढ़ेंगे और विश्व के लोग भी उस हमारी इस ताकत को पहचान सकेंगे। तो इस स्कीम का नाम दिया हमने कल्चरल मैपिंग ऑफ इंडिया, जिसके माध्यम से पूरे भारत की संस्कृति को और ख़ास तौर पर जो डाइंग आर्ट्स हैं, जो विधाएं विलुप्त सी होती जा रही हैं, उनको संरक्षण करने में हम मान लेगा। इसके माध्यम से हम उन कलाकारों को पेंशन देते हैं, 60 साल से ऊपर वालों को जीवन भर हम उनको पेंशन देते हैं, उनको और सुविधाएं देते हैं, कल्चरल फंक्शन ग्रांट स्कीम के माध्यम से सुविधाएं देते हैं, तो ये मैं समझता हूँ सुविधाएं भी उन तक पहुँच। भाई जी, मुझे याद है राहुल कि यूपीए के टाइम में कल्चर मिनिस्ट्री बहुत ही लो प्रोफाइल मिनिस्ट्री मानी जाती थी और लोग कहते थे कल्चर मिनिस्ट्री में तो कोई काम ही नहीं होता। तो मुझे लगता है कि आपसे इस सवाल को करूंगी बाद में, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स अभी भी हमें लिख रहे हैं। सवाल इस वक्त पूछना चाहता हूँ, बिकॉज हम काफ़ी देर से ये बात करते हैं कि इसकी, इस सरकार की बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। जब सरकार बनी थी तो 3 महत्वपूर्ण घोषणाएँ थी उसमें। एक था कि किसानों की इनकम को डबल किया जाएगा, उनकी इनकम को बढ़ाया जाएगा। दूसरा था कि 10 मिलियन लोगों को हर साल आपको रोज़गार दिया जाएगा। साथ ही ये भी बात बहुत प्रोमिनेंटली कही गई थी कि ये एक करप्शन फ्री सरकार होगी। मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि इस सरकार पर कोई भी बड़ा करप्शन का आरोप नहीं है। लेकिन जो 2 बाकी चीज़ें बचती हैं, जहाँ तक किसानों की बात है और जहाँ तक जॉब की बात है, लोगों को, यंगस्टर्स को जॉब देने की बात है, यहाँ पर अब भी बहुत काम बाकी है और इस बात को लेकर इस सरकार का काफ़ी क्रिटिसिज्म किया जाता है। इस पर नकवी जी आप क्या कहें? देखिए, पहली बात ये कि रोज़गार और रोज़गार के मौके हमारी सरकार की प्रतिबद्धता भी थी और है, और प्राथमिकता भी थी और है। जब हम बात करते हैं कि इस सरकार ने किया क्या और क्या चीज़ विजिबल है, तो उनमें 3 चीज़ें मैं आपको 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 उधर मैं ध्यान आपको आकर्षित करूँगा। मुद्रा कार्यक्रम उन छोटे, उन बेरोज़गार लोगों के लिए था जो रोज़गार और रोज़गार के अवसर मुहैया कराए जा सकते थे जिनके माध्यम से। आज जो है वो मैंने खड़े होकर के लगभग जो है वो 1200 से 1300 लोगों को मुद्रा योजना का लाभ दिलवाया, और दिलवाने का नतीजा हुआ कि आज भी मैं जब उनकी छोटी सी किसी दुकान के रास्ते से जाता हूँ, छोटा सा एक लोहार की दुकान है किसी का जो है वो कुम्हार का काम चल रहा है, तो वो आज भी जो है
वो मेरे साथ जो उनको उन्होंने चेक लेते हुए फोटो है वो बड़ा सा लगा रखा है। और इस तरह से करोड़ों लोग रोजगार और रोजगार के मौकों से जुड़े, और जब एक व्यक्ति को आप देते हैं इस तरह मुद्रा से जो लाभ है तो उसके साथ 10 लोग ऐसे ही जुड़ जाते हैं। तो इसलिए जो है जो लोग सवाल करते हैं कि साहब रोजगार कहाँ गया, रोजगार कहाँ आया। इनफैक्ट नकवी जी आपको 2 सेकंड के लिए यहाँ पे रोकूंगी। एक फेसबुक व्यूअर है नवीन पट्टीदार जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो आपको सुन रहे थे अभी जॉब्स के ऊपर बोलते हुए, तो उन्होंने लिखा है कि व्हाई आर ग्रेजुएट्स नॉट एबल टू गेट जॉब्स। उनका एक सिंपल सीधा सवाल है दैट जॉब्स ग्रेजुएट्स को इस समय क्यों नहीं मिल रही है। और एक एक क्वेश्चन उन्होंने और लिखा है कि व्हाई आर नेताज सो फार अवे फ्रॉम अस, व्हाई आर दे नॉट इजिली एक्सेसिबल। ये कहना है नवीन पट्टीदार का। नहीं देखिए क्या है कि ईजिली एसेसिबिलिटी जो हमारे यहाँ तो हर मिनिस्टर, हर लीडर और हर जो है वो पार्टी का कार्यकर्ता, हमारी चाहे पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री जी हों या पार्टी के प्रेसिडेंट अमित शाह साहब हों, उनका वो ना खुद बैठते हैं आराम से ना बैठने देते हैं किसी को। वो कहते हैं कि जी तुम ज़मीन पर रहो और लोगों के बीच में रहो। कोई ऐसा महीना नहीं होता, कोई ऐसा घंटा नहीं होता जिसमें कि टाइम टेबल मंत्रियों के लिए और पार्टी के एमपीस के लिए, नेताओं के तो लिए नहीं होता। आप लोगों ने छुट्टी तो नहीं ली है किसी भी मंत्री ने? नहीं, छुट्टी लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जब जो है वो हेड ऑफ दी हमारा जो हेड है वही नहीं छुट्टी ले रहे हैं, बिना रुके हुए, बिना थके हुए, पूरे जुनून और जज्बे से काम कर रहे हैं, तो उतनी मेहनत तो खैर हम सब नहीं कर सकते, लेकिन उसके इर्द गिर्द हमें रहना ही पड़ेगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि आज जो है वो हमसे एक्सपेक्टेशन बहुत थी लोगों की, हम ये और ये एक्सपेक्टेशन होना जायज़ भी था, क्योंकि 10 सालों पहले जो एक माहौल था, एक नकारात्मक माहौल, एक करप्शन का माहौल, कहा कह कहा जाता ना कि उस दौरे तरक्की के अंदाज निराले थे, चौतरफा करप्शन था, हर ओर घोटाले थे, तो वो एक माहौल था। उस माहौल से देश को उबारना, देश में एक पॉजिटिव और सकारात्मक माहौल को खड़ा करना, लोगों में विकास के प्रति विश्वास का माहौल बनाना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और उस चुनौती को हम संतोषजनक तरीके से हमने सफलता के रास्ते पे खड़ा किया है। लेकिन ये बेहद अनफॉर्चुनेट है महेश जी, आपसे ये सवाल करूंगी कि ये जो सकारात्मक एनवायरनमेंट की बात की जा रही है, देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव एटमॉस्फेयर व्हिच हैज बीन बिल्ट इन द लास्ट 4 years, वेयर यू सी दैट द गवर्नमेंट इज इन एक्शन एज फार एज द ग्राउंड वर्क इज कंसर्न्ड। But despite all the work which the government has done, all the political forces have bandied together, they have come together to defeat a force like BJP. How unfortunate is it? And the entire political narrative is getting woven around this. See, that is the agony of this nation, that all those people who have been given liberal chance of almost 60 years and they have failed to deliver to this nation. Now this government is laboring. Now they have been cornered out by the people of this nation. The party has ruled this country for 60 years. The party doesn't get even 10% parliamentarians to get a recognition of the opposition party. That party is now outcasted by states also. Out of 29 states, in 21 states, NDA is ruling. 69% of the population of India is being ruled by NDA. So that's they are being cornered out. Now they got no choice. There is no ideological mixing. They are opportunists. Now they have cheated the national people, and that's what they are doing now also. They have fought election. That's, you have seen a tragedy. I'll call it a tragedy. You know, I don't call it a democracy. 104 seats people they said that you have not got a chance, and a person who got 38 seats he said okay I'm fit to be the chief minister of this state. ये तो राजनीति में ये होता रहता है। खाली एक बात, बहुत सारे व्यूअर्स इस समय लिख रहे हैं हमें फेसबुक पर, जो पार्टियां इस वक्त जो है वो छटपटा रही हैं, वो उसका मुख्य कारण है कि जिस दिन से 2014 में जब जनादेश मिला मोदी जी को, उसके 3-4 महीने के बाद ही ये लोग एक्टिव हो गए थे। और इन्होंने पहले असहिष्णुता का माहौल खड़ा किया। अभी आप तो कह रहे थे कि नहीं वो मोहन जोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से निकाल निकाल के अवार्ड दिखाने लगे कि अवार्ड वापस ले लो, हमें 1920 में अंग्रेज़ों ने अवार्ड दिया था, मोदी जी वापस ले लो। देखिए दिक्कत उनकी ये है, वो ऐसी सामंती सोच की पार्टी है जो चाहती है कि या तो हम सत्ता में रहें और या रिमोट पे हमारे रिमोट से सत्ता चले। लोग आपको मोदी जी की बात छोड़ दीजिए ना, मोदी जी से इनको कोई समस्या नहीं है,
ये समस्या ये है कि एक गरीब, एक कमज़ोर तबके, एक पिछले परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति कैसे देश का प्रधानमंत्री बन गया, और बन गया तो कैसे सफल हो गया। यही नहीं, इन्होंने एक इनकी हिस्ट्री नहीं है, इन्होंने मुरारजी देसाई के साथ क्या किया, ये तो ये छटपटाई ले रहे हैं कि इनके पास जनमत नहीं, जनादेश नहीं है, मतलब जनता का वो नहीं। आपको इतने ये जो है समय, ये मुरारजी देसाई के साथ क्या किया, इन्होंने चंद्रशेखर जी के साथ क्या किया, इन्होंने वीपी सिंह के साथ क्या किया, इन्होंने गुजराल साहब के साथ क्या किया, खुद देवगौड़ा साहब के साथ क्या किया, इस सबको उखाड़ फेंका। तो ये तो इनकी एक विश्वासघात की इनकी विरासत है। मैं राठौर साहब, मेरा सवाल एक रह गया जिसका जवाब नकवी जी ने नहीं दिया, मैं आपसे लेना चाहूँगा कि किसानों के मामले में ख़ास तौर से पिछले बजट में भी ये कहा गया था कि उनकी इनकम को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, ख़ास तौर से 50% तक उनको दाम मिल सकेंगे। तो ऐसे में ऐसा क्या हुआ है कि ये अब तक इस मुद्दे पर सरकार जो है बहुत आगे, जो वादा है उस तक नहीं पहुँच पाई। बहुत बड़ा काम हुआ है, मैं आपको बतलाता हूँ। देखिए, जहाँ 70% आबादी खेती से संबंध रखती है, ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, इसका मतलब कितना बड़ा परिवार एक छोटे ज़मीन के टुकड़े पर रहता है, तो उसमें कई सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी उसको, उनको मजबूत करने के लिए। जब हम कहते हैं किसान की आमदनी को हमने दुगना करने का कमिटमेंट करा है 2022 तक, इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, हमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से वहाँ पर कम ज़मीन पर ज़्यादा उपज हो, कई बार वहाँ पर क्रॉप की यील्ड आए, इस तरह का हमें माहौल लाना है, वो हमने करा। हमने सॉइल हेल्थ कार्ड को वहाँ इंट्रोड्यूस करा कि ऐसे अंधाधुन उसके अंदर फर्टिलाइज़र का खर्चा करके फर्टिलाइज़र वहाँ डाले जाए, उससे मिट्टी और ख़राब हो, इसलिए बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से आप करिए। आज 10 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड बन गए हैं और 4 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड एक्टिवली इस्तेमाल हो रहे हैं। नई नई चीज़ है, धीरे धीरे समय लगेगा किस तरह से सॉइल बिल्कुल। उसी तरह से ड्रिप इरीगेशन हुआ, वाटर कैनाल्स बनाई जा रही हैं ताकि पानी वहाँ तक पहुँचे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि मार्केट अवेलेबल हो, आपकी जो उपज है उसका मार्केट हो, तो उसके लिए हम न केवल मंडियां, 500 मंडियां नहीं स्थापित करी गई हैं, बल्कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर लगातार आप को कीमत पता चलती है कि जो आपका प्रोड्यूस है उसकी कहां पे क्या लागत, क्या कीमत मिल रही है। तो इस तरह से मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि आजकल मंडी पर ना बेच कर, लोग मोबाइल पे वेट करते हैं कि चंडीगढ़ में क्या रेट है, यूपी में क्या रेट है, जरूरी नहीं है कि जयपुर में उसको बेचा जाए। ये आधुनिकीकरण हुआ है अभी, तो ये सारा इम्प्रूवमेंट है एक तरह से। उसी तरह से जो जो लोन्स अवेलेबल हैं आज किसानों को, वो बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल है। उसके साथ साथ जो मिनिमम जो परचेज वैल्यू है उसको बढ़ाया गया, न्यूनतम समर्थन वैल्यू को उसको बढ़ाया गया, और इन सभी को जोड़कर इस तरह से सिर्फ किसान का मैंने अभी बात करी है, अभी तो मैंने बात नहीं करी कहाँ किस तरह से। जब आपने सवाल पूछा कि जो रोजगार का, जो रोडों के ऊपर सड़क जो पूरे देश में बन रही है उसके ऊपर जितना खर्चा हो रहा है वो भारत की सरकार कर रही है ताकि हमारी इकोनॉमी के अंदर पैसा जाए। जब सड़क बनेगी तो कितने लोगों को उसके अंदर रोजगार मिलेगा, अलग अलग तरह का रोजगार मिलेगा, उसके ऊपर चलने का जो साधन है वो और बेहतर होगा, तो अपने आप फैक्ट्रीज आएंगी, सर्विस इंडस्ट्री आएगी, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ढांचा उसको बेहतर करा जाए। एक बड़ा सवाल इम्पॉर्टेंट है आपके बिल्कुल विरोधी गुट से सवाल आ रहा है, शशि थरूर जी जो हैं कांग्रेस के नेता, उन्होंने सवाल पूछा है राजवर्धन राठौर जी से, उसको देख लेते हैं क्या पूछ रहे हैं। हेलो राजवर्धन जी, दिस इज शशि थरूर। एज यू नो योर मिनिस्ट्री स्टिल रिलाइज ऑन द एंटीक्वेटेड 1952 सिनेमेटोग्राफिक एक्ट व्हिच क्रिएट्स द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन दैट इज स्टिल इन फैक्ट एम्पावर्ड टू प्रीसेंसर फिल्म्स, बैन फिल्म्स एंड सो ऑन। The Sham Benegal Committee in 2016 recommended a number of reforms, including abolishing pre-censorship. And I moved a private member's bill for your attention, which would actually also reform the Cinematographic Act in order to create a certification board rather than a censorship body. Is your ministry under your leadership willing to consider this issue and reform or review or revise the 1952 Act and move the country away from the dreadful old practices of censorship towards one of certification? Thank you. So, dear Shashi Tharoor ji, let me correct you a little bit. Number one, it is not a censorship board. It is a certification board. Number two, Sham Benegal ji has never ever mentioned that there should be no certification. There should be no pre-certification or pre-censorship. For movies, for films, there is
the pre-certification. And in certification, in case you are asking for a film which is to be viewed by children, then there are certain, if there are certain scenes which are not to be permitted in that, then those scenes would need to be deleted only so that it can be viewed by the children. If you are okay with an adult certificate, then there is no need to delete those sequences. So therefore, it is up to the producer what he is wanting, what sort of certification is he wanting. And therefore, based on that, there is an independent board that takes a decision. It certifies. It does not censor. But if you are asking that you want to perform a certain act in front of children, then for that reason, there may be a necessity to delete certain scenes. So it is absolutely a certification board. It is not a censorship board. I hope Shashi Tharoor is watching the program, and I believe he is, as all the viewers on Facebook and Twitter. There's a stream of comments which are coming. And Rajyavardhan, there is another question for you. And this is coming from Himani Shivpuri, the actor. Just listen into her and look at this video wall and you would get an idea of what she wants to say. मोदी सरकार के चार साल पूरे हो गए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मेरा सवाल आपसे ये है कि फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स आर द मोस्ट एक्सप्लॉयटेड लॉट, तो फिल्म एक्टर्स को या टीवी एक्टर्स को रॉयल्टी दिलाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? अच्छा अच्छा प्रश्न है। बहुत बड़ी मात्रा में इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, और आपने जो सवाल पूछा, मैं उसमें यह भी कह देता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री स्टेटस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही दिया। उस समय सुषमा सुषमा स्वराज जी उस समय मंत्री थी, आप एमओएस होंगे उस समय, और तो हमारी ही सरकार ने उस समय दिया। और एब्सोल्युटली राइट, इनके एसोसिएशन हैं, और इनकी जो एसोसिएशन और इनके जितने भी जो लोग काम करते हैं, अलग अलग लेवल्स पे जो काम करते हैं, उनको प्रोटेक्शन मिले, इसके ऊपर ज़रूर हम इंडस्ट्री के साथ बैठकर बातचीत करने को और पॉलिसी को अमेंड करने के लिए बिल्कुल तैयार है। महेश शर्मा जी, आपके लिए भी एक सवाल है। मालविका हैं अभिनेत्री, उनसे उन्होंने आपसे एक सवाल किया है, वो भी देख लेते हैं। नमस्कार सर, इट्स इंडीड एन ऑनर टू बी कंग्रेचुलेटिंग यू ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 years इन ऑफिस। यू ऑल योर कैबिनेट कोलीग्स, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द बीजेपी सरकार, and all your achievements, sir, are much congratulated at this time. My question to you is this: the GST regime has brought the entire nation under a one nation, one tax policy and has done a lot of good to this nation. However, sir, when it comes to entertainment tax, there's been no relief. Do you intend to take steps to provide relief to the film goers who still pay very high prices for cinema tickets? You have undertaken a rather ambitious project worth nearly 500 crores to do the cultural mapping of all the artists across the country. How really is this project going to help the poor artists in the rural areas of India? Well, second part I'll answer first. And the first part I'll pass on to my colleague Rajyavardhan Rathore about this entertainment tax and all those things. But first, second part, this is a very prestigious scheme to reach to the last man. What is the promise of our Prime Minister? That our democracy should deliver to the common man. That is his right and that is our duty. This is how we reach to, anybody says, living in a smallest village, that yes, I am an artist of this caliber. And this information I got, I reached to Odisha to see that village where everybody in the house was working. They were doing some paintings. I said, I want to go inside the house. So I was stopped, saying that there may be so poverty inside the house, you may not be able to see it. So the reason was that what painting they were selling, it maybe they were getting some 500,000 rupees, which was being sold in the market for 5,000, 10,000 or 50,000 rupees. So that inspired us to take this scheme to these corners. And now everybody, even a smallest artist, will be available. His complete data information will be available on a portal. Anybody wants artist of which category,
there will be a competition, there will be a categorization, A grade, B grade, C grade. Then there will be a district level, there will be a state level, there will be a national level competition. So we'll have a complete data of all artists. And second thing about the dying arts. And third thing about unrecognized art, like I was telling, I was hearing just now, that so many artists in film industry or in other industries are also, they are not getting proper recognition. So I think that will bring up. Prime Minister's vision is anything, if it is of no value, doesn't bring the common man's life up, I think no such scheme has got any value. And that's what we are thinking, that if any work, if our common man's life is not able to raise the life of the common man, then its purpose is only to raise the life of the artist level. And I think it will be a very big benefit. Once this scheme has started, when the results will come, it will be good. एंटरटेनमेंट टैक्स और जीएसटी पर मैं चाहूंगा राजवर्धन जी इस विषय पर. जीएसटी अभी लागू हुआ है, पहला साल है, अभी शुरुआत है और राज्य सरकारों के पास कोई अधिकार था कि टिकट्स के ऊपर एक अंश है वो राज्य सरकार लगाती है, वो राज्य सरकार अपने पास रखना चाहती थी अभी. और क्योंकि जीएसटी अभी नया नया शुरू हुआ है तो केंद्र सरकार ने, और वैसे भी एक पूरा काउंसिल है जीएसटी काउंसिल जिसके अंदर सभी का एक मत है और उसमें कई सारी सभी राज्य सरकारों के वहाँ पर प्रतिनिधि हैं, तो उन सब का ये मत था कि इस समय कुछ समय के लिए इसको रहने दिया जाए. उसी तरह आगे चल के हो सकता है ये उसके अंदर सब्ज्यूम हो जाए और ये टैक्सेशन भी कम हो जाएगा. मैं एक सवाल नकवी जी से यहाँ पूछ लेता हूँ, फेसबुक के तीनों मंत्रियों को खुश करने के लिए भी एक सवाल मैं बता देती हूँ. एक व्यूअर ने लिखा है कि इट्स अ ट्रीट टू वॉच the three prominent ministers in your studio. So I would like to congratulate again and thank again the three of you for joining us on the studio. But more and more viewers are writing to us, Rahul, I believe. मैं नकवी जी से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ. एक सरकार का जो और क्रिटिसिज्म है वो है बैंकिंग सेक्टर को लेकर, इस सरकार का कि बैंकिंग सेक्टर को आखिर क्या हो गया. और इस बारे में बहुत सारे फेसबुक व्यूअर्स ने हमसे पूछा है कि उनकी ये चिंता बैंकिंग सेक्टर को लेकर, जिस तरह से वहाँ एनपीएस बढ़ रहे हैं, जिस तरह से घोटालों की बात आई है बैंकों में, इस सब को लेकर सरकार का क्या व्यू. देखिए एक चीज़ मैं इसमें, जो लोग क्योंकि शुरुआती दौर में एक हम लोगों ने एक बात कही जो कहा कि बहुत से ऐसे कड़े फैसले किए गए हैं जो फैसले की सामान्य तौर से सरकारें नहीं करती. अगर हमने जो है वो बैंकिंग क्षेत्र में रिफॉर्म करने की जब बात करी तो उसके लिए हमने बैंक और बैंकिंग सिस्टम ही नहीं बल्कि जो उसके ग्राहक हैं या जो कॉमन लोग हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रख के किया. और आज उसका इम्पैक्ट और आज उसका असर बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है. आज जो है वो लोग जो लोग कि बैंक के पैसे ले करके भाग जाते थे, बैंक को डुबो कर जाते थे, आज उन पर भी शिकंजा कसा हुआ है. और आज वो आम व्यक्ति, जिस आम व्यक्ति का कि पैसा डूबने के कगार पर होता था, वो भी जो है सुरक्षित हुआ है. मैं इस पे थोड़ा सा लगीजिएगा आपकी इजाजत हो तो मैं इस पे आगे कहूँ कि हमारी सरकार वो सरकार नहीं है जो कारपेट के नीचे कचरे को दबा दे और ऊपर से बहुत साफ सुथरा दिखाए. ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज तक अगर आपको दिखता था कि बैंकिंग में कोई गड़बड़ नहीं हो रही तो वो इस वजह से होता था कि कुछ चंद मुट्ठी भर जो लोग होते थे वो बड़े बड़े लोन लेते थे जो साधारण लोगों को नहीं मिलते थे. नंबर वन, वो लोन लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाते थे जो हो सकता है काम भी ना करती हो, और उसका जो इंटरेस्ट देना होता था वो इंटरेस्ट भी एक नए लोन से दिया जाता था. लोन आगे से आगे बढ़ता रहता था और वो कभी रीपेमेंट नहीं होता था. ये तो अगर इस तरह से चलता रहे, जिसके अंदर सरकार भी शामिल होती थी और बड़े बड़े सब लोग शामिल होते थे और जो साधारण लोगों को कुछ पता भी नहीं चलता था कि कुछ हो रहा है. आज अगर मैं आपको उदाहरण दूं, भूषण स्टील ओडिशा के अंदर उसका 20,000 करोड़ की उसकी एसेट वैल्यू और उसके पास लोन 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा. अब 36,000 करोड़ सरकार ने रिकवर कर लिया है, कुछ 12% असेट सरकार के पास अभी भी है और टाटा स्टील को वो दिया जा रहा है ताकि वो उसको और आगे बढ़ा पाए. ये जो काम हो रहा है, इस तरह का काम हो रहा है, ये इसी सरकार में जो कचरे को बाहर निकाल के परमानेंटली खत्म करने का जो काम है ताकि बैंक ऐसे लोगों को लोन दे जो बड़ी मात्रा में लोगों को और आगे रोजगार दे सके. क्लेंजिंग द सिस्टम, दैट्स व्हाट द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज डन. इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड को बहुत तारीफ भी की जा रही है. कितना ऐसा क्रिटिसिज्म किया था लोगों ने, क्रिटिसिज्म किया, उसके बाद उसको कहा कि नहीं साहब इसको पास नहीं करेंगे, पहले सेलेक्ट कमेटी को भेजो. स्टैंडिंग कमेटी ने उसमें रिपोर्ट दे दी थी
तो आज जो है उसका इम्पैक्ट और असर, जैसा कि राजवर्धन जी ने कहा, उसका दिख रहा है. एब्सोल्युटली. इनफैक्ट नकवी जी, लॉट ऑफ व्यूअर्स आर राइटिंग अस ऑन ट्विटर एज वी आर गोइंग लाइव इन दिस प्रोग्राम. देयर इज अ ट्विटर फॉलोअर एस सुंदर राजन एंड ही हैज रिटन दैट मोदी गवर्नमेंट हैज बीन परफॉर्मिंग outstandingly well in all areas except the clearance of pending cases in the courts across India. Please tell me, what are the steps which the government has taken to clear these pending cases? Pending cases ki problem ye nahi hai. Pending cases ki ye baat sahi hai ki jo judicial system hai hamara, jo judiciary mein vacancies hain, wo aaj din ba din jo hai wo uska ek sankhya badhi hai. Uske kai karan hain. उस कारण को हम लोग यहाँ पे स्टूडियो में डिस्कस नहीं कर सकते. हमने पार्लियामेंट में इस समस्या के समाधान को लेकर के एक सिस्टम बनाया. अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया. उस दिशा में हम आगे और काम कर रहे हैं. इनफैक्ट और भी व्यूअर्स लिख रहे हैं. एक व्यूअर अभी उन्होंने पेट्रोल और डीजल प्राइसेस पे लिखा है नकवी जी, कि उनका पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर सरकार कब तक फैसला लेगी. एंड दिस इज आई थिंक एगोनाइजिंगली मेरे ख्याल से इस पर काफ़ी काम हो भी रहा है, बता पाएंगे बहुत अच्छी तरह. क्योंकि इसके ऊपर जो अभी जो रीसेंट जो प्राइसेस हैं उसके ऊपर हाई लेवल के ऊपर डिस्कशंस तो चल रहे हैं. हम किस तरह से इसको लोगों को किस तरह से समर्थन पहुंचा सकते हैं. लेकिन एक बहुत बड़ी बात मैं इधर कहना चाहूँगा कि जितनी मात्रा में जो ये यहाँ से जो टैक्स कलेक्ट होता है, जो साधन कलेक्ट होते हैं, उससे सड़कों का जो विस्तार हो रहा है, फाइनली ये गाड़ियाँ ये उन्हीं सड़कों पर चल रही है. जो मिडिल क्लास है वो एक तरह से बड़ी पूरे देश का समर्थन करती है अपने टैक्स देकर. और सर्विस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी मात्रा में जो लोग जुड़ते हैं वो मिडिल क्लास के लोग जुड़ते हैं, जो सीनियर पोजिशंस पर होते हैं. तो एक अपने सामने अगर देश को अगर हमें बढ़ाना है तो कुछ हद तक हमें इसको अपने समर्थन से इसको खड़ा करना पड़ेगा, इस सिस्टम को खड़ा करना. फ्यूल प्राइसेस की बात होती है, हमेशा एक पॉलिटिकल नैरेटिव निकल कर आता है. एंड 2019 इज आल्सो नॉट फार अवे एंड द ऑपोजिशन पार्टीज हैव अगेन कम टुगेदर एंड सेड दैट लुक वी हैड कंट्रोल द पेट्रोल प्राइसेस एंड डीजल प्राइसेस बट दिस गवर्नमेंट हैज नॉट बीन एबल टू डू इट. सो हाउ डू यू रीच दिस मैसेज टू द पीपल दैट लुक दिस इज समथिंग कॉन्क्रीट व्हिच वी आर डूइंग एंड देयर इज एंड दिस इज फॉर द लॉन्ग रन फॉर द सक्सेस ऑफ द पीपल बट हाउ डू यू कन्वर्ट इट इनटू अ पॉलिटिकल परसेप्शन दैट लुक दिस गवर्नमेंट इज इन एक्शन इट इज फॉर योर बेनिफिट. हाउ डू यू रियली रीच आउट टू द पीपल ऑन दिस. नो टू बोथ द बोथ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. वन सेक्शन व्हिच हैज बीन लार्जली लेफ्ट अनअटेंडेड फॉर इयर्स एंड इयर्स, दैट सेक्शन इज ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर एंड कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. Also, the section, like I mentioned, which supports the whole country by paying taxes. Now, both of them need to be enhanced. The whole environment needs to be improved. How do you improve that environment? It is by creating opportunities. By creating opportunities for way of working more in better environment, creating more manufacturing industries, service sectors, bringing in foreign the country's work here in the country. So therefore this the creation of an environment so that we all grow together, so that the larger pay packets coming to everyone, is something where a little bit of stability and long term policy decisions are required. Nilu, hum ek inse baat karenge ki roads jo hain usko pe leke bahut zyada kaam hua hai is sarkar mein, aur khaas taur se 200 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 2019 के मध्य में पूरे हो जाएंगे और 400 कुछ और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑन गोइंग है. लेकिन उससे पहले एक सवाल ले लेते हैं. शेखर सुमन अभिनेता हैं, वो राठौर साहब से एक सवाल करना चाहते हैं, तो उनका सवाल देख लें. हाय, दिस इज शेखर सुमन एंड माय क्वेश्चन इज टू द ऑनरेबल इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर श्री राजवर्धन सिंह राठौर. And the question is, why did the Modi government suddenly withdraw its new rule on journalists' accreditation and fake news? Also, the Modi government has been in power for the last 4 years. In the last 4 years, not one, two, three, but four ministers have changed. You are, in fact, the fifth one. So what's going wrong? Does the Modi government not believe in its ministers, or the ministers are incapable of delivering? And how do you plan to save your portfolio? What is your agenda? What are the new things that you would like to do? And what is that one ordinance that you would like to literally
थोड़ा फैक्चुअल प्रॉब्लम है सवाल में, लेकिन फिर वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ पुटिंग इट अक्रॉस मिस्टर शेखर, वी हैव बीन एडमायरर्स ऑफ योर वर्क, प्लीज कंटिन्यू एज यू हैव बीन ऑलवेज डूइंग. नाउ लेट मी आंसर योर क्वेश्चन स्पेसिफिकली. सो नंबर वन, आई एम नॉट द फिफ्थ वन, आई हैव ऑलवेज बीन देयर इन दिस मिनिस्ट्री. I have had the privilege of learning from Jetli ji, from Venkaiah Naidu ji, and from Smriti Irani ji. And so therefore, I intend to work and continue in the same direction of, like I mentioned, taking the work of the government to the people and bringing back the feedback from the people to the government using various methods. And another, this, what you mentioned about withdrawing of that letter is another example of the fact that our government works together collectively. Also, the fact that it breaks the myth of a lot of people who say that it's only the Prime Minister that takes decision. That's not the case. In our government, all the ministers are free to conceptualize new policies and work ahead at any point of time when collectively we feel that there's a better direction that we can take. We do take that. That's the perfect thing to do, isn't it? Well, let me tell you that Shekhar Suman has just written that he is listening to what you have said and he's going to react to it later. But let me tell you, Rajyavardhan, a lot of people have been joining us on the program, and Manika Batra, the golden girl who's just returned from the table tennis champion, she has sent a video message for you and she has a question for you. Let's look at it. With women players doing overall well across disciplines, what steps are you as sports minister contemplating to encourage them? My specific question to you is about the safety aspects, because infrastructure in Delhi is not easy to commute to because of distance. Also, for playing and training in Delhi, we don't have much infrastructural support. Are you planning to develop infrastructure here to give the boost to sports in Delhi? Well, once again, congratulations, Manika, for making all of us proud. Of course, we are very delighted with your performance and the performance of many, many athletes, among which there are numerous girls who are there. So, of course, the competition is open, and we are creating opportunities for our women athletes and sportspersons to compete in that environment. You brought about a very, very important issue of women's safety. It's not only a concern just in the playing fields, but across the nation. And our government is committed to protecting women. And this is, like our Prime Minister has been saying it repeatedly, it's a behavioral change that's required, as well as our policy measures. Right. For behavioral change, right from 2014, he's begun to speak about how important girl child is and what sort of value the girl child can give to the family. He's been speaking and demonstrating it repeatedly. In terms of policy, he came up with the government came up with a law that if you specifically below 12 years, below 16 years, if there's any misbehavior or sexual misconduct, then the penalty can also be as severe as death penalty. Right. So we've gone to doing that. Within the sports, we are very, very particular about the behavior of coaches, the support staff. We are creating awareness amongst them. We are also telling them that this is not just incorrect. This is not acceptable. And we also have the first DG of Sports Authority of India, who herself is a woman. And so therefore, we will create an environment where all of you are safe and have the full support of us to proceed ahead and perform the best. In terms of infrastructure, we are also trying to get the best of the equipment. And to just give you an example, for your Commonwealth Games, all the equipment that you needed, whatever was brought to our attention was provided. Coaching abroad, physiotherapists of the best standard Absolutely. Were provided. Training anywhere in the world for our top athletes is there. We've gone a step ahead of not just funding training or providing coaches or providing travel right. money. We've gone one step ahead to say, you are our near professionals. You give your 24 hours throughout the year. So let's give you 50,000 rupees as pocket allowance, so Manika, which is not for your training, which is not for your travel. It is for your pocket. So how you spend it is up to you. So we've done all that. And this is, mind you, this is just the beginning. We have Target Olympic Podium Committee, which is very, very professional.
asking questions to all federations so that they need to come up with logical answers. Why this coach is there? Why not this is there? Why are they training here? So that you get the best of the performance. And Absolutely. Now, in terms of infrastructure, in another 1 to 2 years, you will see some major innovative steps to improve this the infrastructure to absolutely super world-class facilities. So, Rajyavardhan, let me tell you that Manika has just written to me. She was hooked onto the screen while you were talking, and she has thanked you. And I believe Manika has said that what a big assurance is this. Neenu, hum ye jis tarah ka hamare paas is waqt panel hai, teen prominent mantri hain, lagatar baat karte ja sakte hain. Lekin main ye samay ka kuch rehta, lekin main ek sawal Naqvi ji se phir bhi puchunga ki रोड्स के बारे में जो मैंने आपसे बात कही कि 200 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें 1.5 लाख करोड़ रुपया जो है वो लगा हुआ है और वो 2019 के मध्य में पूरे होंगे और 400 कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें 3.5 लाख करोड़ रुपया लगा हुआ है और वो प्रोजेक्ट्स भी ऑन गोइंग है. तो जब आप इतनी बड़ी कमिटमेंट करते हैं, इतने सारे पैसे की कमिटमेंट करते हैं, तो लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि ये कमिटमेंट्स जो हैं, इतने सारे पैसे की कमिटमेंट पूरी कैसे होंगी. और वो ये डाउट दिखाते हैं कि क्या सच में ये सरकार इतनी बड़ी कमिटमेंट्स पूरी कर पाएगी. देखिए, पहली बात, आज मुझे लगता है कि किसी अखबार में मैंने पढ़ा नितिन गडकरी साहब का बयान, जो पैसे की बात आप कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमें सरकार का पैसे की ज़रूरत नहीं है, हम जिस जो हमने जो कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट को हम सरकार से पैसा लिए बगैर भी पूरा करेंगे. यानी कि उन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया है. आपको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, उसको लेकर के उस वक्त भी बहुत से शोर मचे थे, बहुत से हंगामे हुए थे, लेकिन वो चली और इन 10 सालों में वो एकदम उसको जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया. उसके पीछे मकसद और मंशा केवल एक थी कि साहब वो तो अटल जी के टाइम की थी, इसलिए जो है इसको क्यों आगे बढ़ाना है. जब से इन 4 सालों में मोदी जी की सरकार आई है, आप अगर देखें तो इस फील्ड में जिस तेज़ी के साथ काम हुआ है, जैसा कि अभी राजवर्धन जी ने कहा, उसका नतीजा है रोज़गार और रोज़गार के मौके. उसके अलावा जो पूरी तरह से उस फील्ड से जुड़ी हुई और भी जो सिस्टम है वो पूरी तरह से मजबूत हुआ है. हमें लगता है कि एक प्रमोद महाजन जी एक बात कहा करते थे कि किसी भी देश की तरक्की उस देश की रोडों से पहचानी जाती है, उन देश की सड़कों से पहचानी जाती है. और आज हमें इस बात का गर्व है कि जिस काम को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था, आज वो आखिरी पड़ाव पर मोदी जी के नेतृत्व में पहुंच रहा है. नकवी जी, जो स्टेटमेंट आपने ये सड़कों के बारे में बोला, ये व्हाइट हाउस का एक रूम है जहां पर जॉर्ज बुश ने भी इस पेंटिंग में लिखा हुआ है कि सड़क की देश की तरक्की वहां की सड़कों से जानी जाती है. कि अमेरिका जो है वो तरक्की याफ्ता इसलिए जाना जाता है कि इस देश की रोड है जो है वो मजबूत है, तेज है. एक आखिरी सवाल ले लेंगे महेश जी आपसे कि 2019 अब ज्यादा टाइम नहीं है और बहुत सारा काम सरकार कर रही है और इसमें कोई शक नहीं है कि जो एक बज क्रिएट किया है पिछले 4 सालों में मोदी गवर्नमेंट ने, ये ऐसा बज पहले की सरकार नहीं क्रिएट कर पाई थी. लेकिन इसके बावजूद जो राजनीतिक दल हैं वो तो एक साथ आ ही रहे हैं और पूरी ताकत वो अपनी लगा रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी को हराया जाए और 2019 को किसी तरह से अपने चंगुल में किया जाए. तो आपसे मेरा ये सवाल है कि 2019 का जो रास्ता है, हाउ डिफिकल्ट और ईजी इज इट for the BJP government before we wind up the show. देखिए, कई बार कुछ लोग अपने अस्तित्व की पहचान बनने के लिए कहीं कुछ प्रयास करते हैं, कुछ टिमटिमाते दिवे बुझने से पहले आखिरी बार जलते हैं. और वही दृश्य आपने कल एक दृश्य देखा जो लोगों के चर्चा का कारण बना. उसमें से कुछ ऐसे लोग थे जो पार्लियामेंट में एक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं, उनका एक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है. 745 लोगों की पार्लियामेंट में उनका एक भी प्रतिनिधि नहीं है. वो दंभ भर रहे थे कि मोदी के सामने खड़े होना चाहते हैं. अपने आप में ये कमजोरी दिखा रहा था उनकी कि एक मोदी से लड़ने के लिए इतने लोग सामने मिलकर खड़े हुए थे, हम सब मिलकर मोदी. मैं समझता हूं उनके सवाल में ही उनका जवाब छुपा था. देश की जनता अपने आप पहचान जाएगी कि मोदी के करिश्मे से, मोदी के व्यक्तित्व को, मोदी के कृतित्व को लड़ने के लिए इन सबको, इन बेमेल जोड़ों को सबको एक होना पड़ा, जिनकी ना कोई विचारधारा है, ना कोई संस्कार है, ना कोई. तो मैं समझता हूं अपने आप में एक जवाब है. सो यू फील दैट इट इज ऑल अगेंस्ट द नरेंद्र मोदी फेनोमेनन, दैट इज 2019. सारा मीडिया कल यही दिखा रहा था कि एक मोदी से लड़ने के लिए देखिए सब कौन कौन लोग हैं. वो लोग हैं जो अकेले पार्लियामेंट में, जो एक ऊसर जमीन पे सत्ता की सियासत की फसल उगाने की कोशिश है.
अब जमीनी उसर हो तो वहाँ पे फसल कितनी होगी? Let me just remind the viewers that of course 26 May is the big day when the mega event will happen, the fourth anniversary of the Narendra Modi government. And let me tell you that the entire plan of the government is to politically project the whole event as a comparison of 48 years of Congress rule versus the 48 months of the BJP rule. Well, you feel free to rate the Narendra Modi government. You can write to us on Twitter and Facebook as well. Your feedback will be welcome. But I thank all the guests, Mr. Mukhtar, Abbas, Naqvi, Rajyavardhan Singh Rathore, and Mr. Dr. Mahesh Sharma. It was a pleasure talking to you. And let me tell you that the viewers are still writing in. I'm really sorry that we could not have taken all the questions in this 1 hour span. But we look forward to your feedback and comments. We'll address your concerns in some or the other way or through some other program. I thank all of you again. मैं भी सारे जो हमारे मेहमान हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस चर्चा में हमारा साथ दिया. राहुल जी, वाह.